नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्सवाजी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट है यानी आप आधार का काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। कौन कौन से बैंक हैं जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और ये कंपनी किन किन बैंकों में काम करती है और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इस कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे और कितना आपको अमाउंट देना होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आजकल आधार सेंटर ओपन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। CSC से भी आधार सेंटर अगर आप लेना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसमें वेली लोगों का टारगेट भी देखा जाता है, कौन से वेली किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब हर वेली सारे सर्विसेज पे वर्क नहीं कर पाते हैं, तो मतलब ये है कि आधार का काम लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास NSEIT का सर्टिफिकेट है तो आप बैंक में जाके आधार का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी कंपनी से कॉन्टेक्ट करना होगा और ये बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, काफ़ी दिनों से आधार का काम कर रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड्स, बैंक में आधार का काम करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है, IPS इंडिया आपको गूगल में सर्च कर देना है, हमारा केंद्र करके IPSIndia.co.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी और यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपको पूरी खुल के नजर आ जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे काम है जो हमारा केंद्र के साथ दिया जाता है, जैसे कि आपको अगर ATM लगाना है तो IndiCash का ATM का प्रोजेक्ट भी IPS कंपनी करती है और इनके थ्रू आप ATM आप अपने शॉप के सामने या फिर इधर उधर जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं करा सकते हैं। ठीक है, और आधार इनरोलमेंट का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आधार का वर्क यहाँ से मिलता है IPS कंपनी के साथ, लेकिन ये वर्क ओनली आपको बैंक में ही मिलेगा। आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको अपने ब्रांच मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना है और उनसे बोलना है कि सर, हम आधार का काम करना चाहते हैं, क्या आप हमें स्पेस दे सकते हैं। अगर आपके ब्रांच मैनेजर रेडी हो जाते हैं तो आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे आधार वाला ऑप्शन आएगा, जैसे कि ये गवर्नेंस स्कोप है और यहाँ पे देख सकते हैं एडवांटेज है, तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो स्क्रोल अप करेंगे इस तरीके से, देखिए आधार इनरोलमेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। देखिए ये बाहर चला गया, हम बैक करेंगे, आगे पीछे भी आप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पे वेलकम का एक ऑप्शन है तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिर जब ये आधार इनरोलमेंट का ऑप्शन आए तो आप यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा और यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको सिंपली भर देना है, बस यहाँ पे डिफिकल्टी है, चलिए ये क्योंकि जब तक हम पूरा फिल नहीं करेंगे ये कुछ ना कुछ एरर दिखाते रहेगा, तो हम एक बार इसको फिल कर लेते हैं। क्या क्या फिल करना है, देखिए ईमेल आईडी डालते ही आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। ठीक है, तो आप अपने ईमेल को चेक कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक ईमेल आ चुका है 8688। ठीक है, इसको डालेंगे और वेरीफाई करेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, तो ओके कर देंगे एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर पे भी एक OTP जाएगा, हमारे पास OTP आ चुका है 7406। ओके, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना स्टेट चूज करेंगे और सेकंड वाला ऑप्शन ये चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको आधार का काम करना है बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे SCO सर्विस सेंटर ओनर, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज करना है, जो भी आपका स्टेट होगा, एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट नहीं आया तो दूसरा स्टेट यहाँ पे आप चूज कर लेना, देन यहाँ पे फिर आप अपना जो ओरिजिनल स्टेट है उसको आप चूज कीजिएगा। ठीक है, फिर रिफ्रेश होगा तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड चूज करेंगे, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना IPS कंपनी का फॉर्म भरेंगे, आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई करा देना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर बाय रजिस्ट्रेशन कोड, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है क्या कोड है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे ये स्टार मार्किंग नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ब्लॉक चूज करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक होगा, लोकेशन टाइप करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम और ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है, इंक्वायरी नंबर आ जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपके ईमेल पे भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको आधार सेंटर चाहिए तो देखिए यहाँ पे आधार का वर्क आप चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये यह ऑप्शन आ जाएगा, क्या आपका कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है, ये सारी सर्विसेज दी जाती है। ठीक है, ई आधार प्रिंट की सर्विस दी जाती है, तो न्यू एनरोलमेंट का काम अगर आपको करना है और उसके लिए क्या क्या आपको मशीन चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो जो अगर आपके पास ऑलरेडी मशीनें वगैरह सब कुछ है तो आप यहाँ पे इसको अनटिक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फिंगरप्रिंट है, इसका जो कॉस्ट है 34,000 है, जो 4 फिंगरप्रिंट स्लैप मशीन होती है उसका, यहाँ पे इसको आप अनटिक करेंगे
करेंगे तो यहाँ पे चार्ज कम हो गया 88,302 रुपए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बढ़ चुका है 1,22,000 है टोटल। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ये सारी चीजें यानी ये सभी प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो आप इस पे अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सब पे अनटिक कर देंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे जो टोटल अमाउंट निकल के आया है 14,500। ठीक है, यानी 14,500 रुपए आपको पे करना है कंपनी को एज ए सिक्योरिटी तौर पे ये जमा होता है। और ये जो 14,500 है, अब देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं समझते हैं तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए अब इसमें ये होता है कि अगर आप किसी बैंक में काम करेंगे तो आपको ओनली ये 14,500 रुपए ही देना है, और जो भी आपके ये मशीन है तो ये मशीन आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये बैंकों का लिस्ट है, देखिए मैं बैंक का लिस्ट देता हूँ, अभी मुझे याद नहीं है कितने बैंक है, मैंने बात की थी सर से। इन सभी बैंकों के ब्रांच मैनेजर अगर आपको परमिशन देते हैं कि ठीक है आधार का काम आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा आपको नहीं देना होता है, 30,000 से कम में ही काम आपका हो जाता है। यहाँ पे ओनली जो सिक्योरिटी ये है 14,500 ही आपको देना होता है। ये डिपेंड करता है कि बैंक आपको अगर किट प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पे काफी कम आपका खर्चा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप इन सभी चीजों को सभी प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो आपका 1,22,000 के आसपास ये पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप बैंक आपको किट प्रोवाइड करेगा तो ऐसे कंडीशन में आपका जो खर्चा होगा वो काफी कम हो जाएगा, 30-35,000 या फिर जो भी आपके टेक्निकल सपोर्ट में या फिर आईपीएस कंपनी के थ्रू जो आपके सर होंगे वो आपको गाइड करेंगे, मतलब आपके कम से कम में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे खर्चा आपका कम आता है। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि बैंक ही आपको प्रोवाइड करे, बाकी आईपीएस कंपनी के थ्रू जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। ये बातें आप उनसे बताएंगे, शेयर करेंगे कि सर हम बैंक के थ्रू ही किट लेना चाहते हैं, तो वो कंपनी से बात करके बैंक की तरफ से आपको किट दिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेव पे जैसा हम क्लिक कर देंगे, प्लीज वेट, यहाँ पे प्रोडक्ट सेव सक्सेसफुल यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके पे कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एंटायर फॉर द फॉलोइंग फी बेनिफिट एज पार्ट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे, कन्फर्म एंड सबमिट यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो पेज रिफ्रेश होगा और आप डायरेक्ट होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, मार्केट में बहुत कमी कंपनियां हैं जो आपको अपने प्राइवेट स्पेस पे आपको आधार का वर्क दे दें। ठीक है, ओनली CSC है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही है जो आपको अपने स्पेस पे आधार का वर्क दे सकता है। ठीक है, बाकी आपके पास ये नया एक और वेबसाइट मैंने आपके सामने पेश किया है ipsindia.co.in, आप यहाँ पे अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर किसी फ्रेंड ने इस कंपनी के साथ आधार का वर्क लिया है तो आप कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि हाँ ये कंपनी सही है या कैसी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।